अभी तो कोई बाहर नहीं है ना? नो सर, अच्छा जी, नो अभी सर, हमारी कंपोजिशन खत्म हो गई जी, और जिंक जो था उसके अंदर, सॉरी हम इसमें थे कि कॉपर 6% मैक्सिमम और 30% मैक्सिमम, अब इसमें कॉपर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। जिंक वही सेम रहेगा 2% मैक्सिमम, ओरिजिनली हम 1% यूज करते हैं, तो इसमें 2% मैक्सिमम, ये लेकिन ये मैक्सिमम अमाउंट है ये जिंक में। और मरकरी थ्रू आउट 3% रहेगी, लेकिन सिर्फ इसमें जी मरकरी किस में रहेगी 3%, वो प्री अमलगमेटेड में सर। प्री अमलगमेटेड में जी, बिल्कुल जी, जबरदस्त। अब डिफरेंट साइज और शेप्स ऑफ पार्टिकल जो है वो हम इसमें यूज करते हैं। तो पार्टिकल्स किस चीज के? पाउडर के। मरकरी के पार्टिकल तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो लिक्विड होती है, ठीक है जी। तो पार्टिकल्स किसके? पाउडर जो हमारा अमलगम होगा उसकी। तो इसमें टू मेथड्स होते हैं प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल्स के, जो पार्टिकल्स हम बनाते हैं। एक में फिलिंग्स जो होती हैं, या फाइलिंग्स इसको कहेंगे, फिलिंग तो नहीं, इनको फाइलिंग्स कहेंगे। फाइल क्या कहते हैं, जैसे रेती देखी हुई है उसको फाइल कहते हैं ना, ठीक है। रेती देखी हुई है किसी ने? रेती क्या है सर? यस सर। रेती किसको कहते हैं जी? सर वो जिससे पुराने जमाने में वो तख्ती जिससे वो करते थे सर, तख्ती जिससे वो दोबारा हो जाती थी। नहीं नहीं, तख्ती का तो मुझे नहीं भाई, फाइल उसको कहते हैं, फाइल को रेती कहते हैं। ये जिस तरह से हम किसी चीज को स्मूथ करना होता है, तो वो उन्होंने हाथ में एक हैंडल सा पकड़ा होता है, आगे एक लंबा सा वो लोहा होता है जिसके ऊपर कट कट से लगे होते हैं, और वो उसको पकड़ के स्मूथ करते हैं, उसके ऊपर मार के, उसको रेती कहते हैं। जैसे हमारा सैंड पेपर होता है ना, तो इस तरह से इसको फाइल, ओरिजिनली तो इसका नाम इंग्लिश में फाइल है, तो हम उर्दू में रेती कहते हैं, ठीक है जी। तो इसकी जो फाइलिंग्स हैं, मतलब फाइलिंग से मुराद ये उसको जब हम फाइल करते हैं किसी चीज को, तो जैसे उसको जब करते हैं तो उसका एक बारीक सा बुरादा सा बन जाते हैं, कटिंग जब करते हैं। इसी तरह जैसे अभी किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि जी हमारा ये जो है, क्या इसको कहते हैं, स्मियर लेयर क्या है? तो स्मियर लेयर में एक दूसरे हमारे इधर बहुत, वो शायद उनके कोई BDS किया हुआ है, या मतलब कोई डॉक्टर साहब हैं उनके साथ, उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी उनको वो डिटेल बता दी थी। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को मैं जो है ना सिंपल, और ये फिर कौन आ रहा है, ये देखो यार ये कौन है, ये वाला जी, सर इसका फ्रंट आपके पास था जी, ये लगता है अभी ये सोया हुआ उठ के जी, ये साहब अभी सोए उठे हैं लगता है। अरे जी वो दवाई वाले, इसने क्या किया हुआ यार ये हमारे सर, ये उम्र आबिद के नाम पे आए हैं। अच्छा, तो उम्र आबिद हमारे पास जी, हां ये वाला नहीं है क्या? नहीं है उम्र आबिद हमारे पास? नहीं है, नहीं है सर अभी, उम्र आबिद हमारे पास है, वो भी चली गई, वो भी चली गई, बस ये वाला था ना, दबाओ सर। चलो अभी हमारे पास टाइम भी, वो कहते हैं 10 मिनट आपके रह गए हैं। चलो खैर, अब जो कुछ भी है, अब क्या करें इन लोगों का, ना तो उनका अपना कोई सिस्टम है और ना किसी दूसरे को वो करना चाह रहे हैं। चलें ठीक है जी। फाइलिंग जो होती है जी, हम जब उसको लेके ग्राइंड तो नहीं कह सकते, लेकिन हम उसकी फाइलिंग करते हैं, वो इस तरह से एक, मैं आपको कैसे बताऊं, रेती जो है, हाँ आप अपने जो है नेल्स जब हैं उनको फाइल करते हो ना, नेल कटर के ऊपर फाइल लगा होता है, वो सब जो उसको वो फाइलिंग है, वो रेती है। और जब भी हम किसी चीज की फाइलिंग करते हैं तो उसमें कुछ डेब्रिस बनता है, ठीक है ना, डेब्रिस गन सा बनता है ना, चाहे वो इनेमल की कटिंग हो, चाहे डेंटीन की हो, चाहे सीमेंटम हो, कुछ भी हो। तो सीमेंटम अभी आप लोगों के उसमें नहीं है, इसलिए हमने उसकी बात नहीं की,
तो मैं आपको सिर्फ यही कि डेंटिन और इनेमल के अंदर जब हम दांत की कटिंग करते हैं किसी भी चीज से, ठीक है, तो वो फाइलिंग एक्शन ही होगा। तो वो जो फाइलिंग होती है ये रेती इसको कहते हैं, ये देख लो ये होती है रेती, ये अब आपको अंदाजा हुआ ये इस चीज की, और yes, ये रेती होती है। बारीक बारीक फाइल्स नीचे गिरते हैं ना, वो फाइलिंग्स कट हो जाती हैं, मतलब कट फाइलिंग्स इसको कहते हैं। तो इनको हम एक प्री होमोजिनाइज इनगोट, इनगोट मैं आपको बता चुका हूँ, इनगोट हम बनाते हैं तो उसको होमोजिनाइज भी करते हैं, तो उससे हम इसकी ये जो लेट कट जो है ना या फाइन ग्रेन के अंदर हम इसकी फाइलिंग्स की कटिंग करते हैं। एक लेट कट होता है ग्रेड और दूसरा फाइन ग्रेन, ठीक है ना। फाइन जरा ज्यादा साफ होगा और लेट कट जो है वो लेट मशीन देखिए जिसको खराद कहते हैं, उसके ऊपर उसकी कटिंग होती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस ये हो जाता है, उसमें हमारे पास ये दो चीजें आती हैं, लेट ग्रेडेड और फाइन ग्रेन, या लेट कट और फाइन ग्रेन। और मोल्टन अलाय दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, उसको एक इनर्ट गैस में, और इनर्ट गैस अभी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि इनर्ट गैस में उस मोल्टन अलाय को हम स्प्रे करते हैं कॉलम में, तो उसके अंदर एक इनर्ट गैस होती है, ऑक्सीजन उसके साथ नहीं हो सकती, तो वो क्या होते हैं ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, नीचे गिरते हैं, तो स्फेरिकल या स्फेराइडल, ये स्फेराइडल लफ्ज है, SPH है इसमें, इसमें हमने वो नहीं डाला हुआ तो ये शायद इसलिए वो डाला है, इसमें हम डाल देते हैं ये स्फेराइडल, ठीक है जी, स्फेरिकल या स्फेराइडल आ जाता है। तो इसको थ्रू एटोमाइजेशन हम करते हैं, ये हमारे पास जो बनते हैं ये स्फेरिकल पार्टिकल्स आ जाते हैं। तीन तरह के पार्टिकल हमारे पास आए, लेट कट, फाइन ग्रेन और स्फेरिकल। लेट कट और फाइन ग्रेन तकरीबन एक ही जैसी चीज होती है, लेकिन लेट कट जो होता है जरा ज्यादा कोर्स होता है, फाइन ग्रेन जरा फाइन होता है, इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं होता। अब ये आप देख लें स्फेरिकल और लेट कट में, ये हमारे लेट कट पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी, और ये स्फेरिकल है, आप देख लिया, स्फेरिकल में भी बड़े छोटे हो सकते हैं, और इसमें भी, इसमें साइज ये देख रहे हैं इसका, बाद का इसमें स्फेरिकल का इससे भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन बस वो स्फेरिकल है, और ये, और उसको वो कहते हैं वो अच्छा है, और ये जरा कम उसका वो कहा जाता है, और ये अंडर डेस्क के ऊपर है, ठीक है। अच्छा जी, अब हीट ट्रीटमेंट हमारी शुरू होती है जी। लेट कट पार्टिकल सब्जेक्टिव टू टू प्रोसेसेस, इसके दो प्रोसेसेस होंगे, पहले को होमोजिनाइजेशन इनगोट जो होगी ना, ताकि हमारे जो ग्रेन साइज है उसका वो एक होमोजिनाइज हो जाए, जो ग्रेन बाउंड्रीज वगैरह है वो सारी वो एक तरह की हो जाए, तो हम पहले उसकी होमोजिनाइजेशन करेंगे। तो इस जब ये होगा तो इसके अंदर जो हमारे पास बनेगा जो मटेरियल आएगा, तो इंटरमेटेलिक कंपाउंड जो Ag3SN जो होगा, ये हमारे पास गैमा फेज जो है ये इसके अंदर क्या होगा, ये प्रीडोमिनेट करेगा, ज्यादा होगा इसमें। अच्छा, अलाय इनगोट फेज जो होता है इसके अंदर क्या होगा, इसकी फेस सेपरेशन होनी शुरू हो जाती है और एक कोड ग्रेन स्ट्रक्चर हमें मिलती है, क्योंकि ये चीजें दोनों अलग अलग, एक सिल्वर है एक टिन है, तो यहाँ पे कोड स्ट्रक्चर आ जाती है। इस कोड स्ट्रक्चर को हमने वापस लाना हो कि हमें गैमा फेस चाहिए, ठीक है जी, लार्ज ग्रेन साइजेस चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसी इनगोट को हीट ट्रीटमेंट करते हैं, कहां तक, 420 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर सेवरल आवर्स, 6 घंटे 8 घंटे तक हम उसको 420 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो उससे क्या होते हैं, हमारे गैमा फेज के जो ग्रेन्स हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, लो हीट ट्रीटमेंट देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 आवर के लिए। वो किस लिए, वो इसलिए कि उसके अंदर जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस आ जाती हैं, स्ट्रेसेस फाइलिंग की जो आ जाती हैं, उसको रिमूव करने के लिए हमने फिर लो हीट ट्रीटमेंट करनी है। और इस लो हीट ट्रीटमेंट को हम एजिंग भी कहते हैं, और एजिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि अगर हम एजिंग खुद इंट्रोड्यूस कराना चाहें किसी मटेरियल में तो हम क्या करते हैं, उसको अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करते हैं। अब स्फेरिकल अलाइज में तो ये चीज होती नहीं है, ठीक है जी, तो हर आर्टिकल जो है, हर उसका वो जो है वो इनगोट ही है, ठीक है ना। तो फिर उसके अंदर फिर क्या होता है, स्फेरिकल अलाइज के अंदर हमें ये 420 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो सिस्टम है ये क्या करना पड़ेगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, उसमें भी तो स्ट्रेस आ गई है ना, ठीक है ना।
लेकिन आप उसमें यह है कि उसका हर एक, इधर तो हमने पूरी इनगोट को 420 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर किया ना, तो उसका एक एक ग्रेन हमारा जो है हमें उसको 420 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेवरल आर तक वो करके उसके अंदर गैमा फेज जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, अब कॉपर एनरिच्ड अलॉय हमारे पास आ गए हैं, तो कॉपर एनरिच्ड अलॉय जो है ये क्या कर रहा है, तो कर ताकि आपके लिए भी और मेरे लिए आसान हो, बल्कि ताकि यहाँ पे जी कॉपर एनरिच्ड अलॉय क्या था इससे पहले जी हमारे पास क्या था कि मरकरी जो थी हमारी वो ज्यादा यूज होती थी। उन्होंने कहा कि नहीं जी पैकिंग जो है इसकी, इसको ज्यादा करने के लिए और मरकरी की जो है अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए हमें इसके अंदर कॉपर एनरिच अलॉयज यूज करने चाहिए। तो इसके अंदर क्या हुआ, 1960 में कॉपर जो है वो ज्यादा डाला गया सिल्वर की जगह पे, तो उससे कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास ज्यादा अच्छी हो गई। ये ऑडियो मेरी के में कोई मसला आ रहा है कि नहीं, ठीक है? है सर, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है, आवाज थोड़ी कट रही है। अच्छा, बाकी बात सारी क्लियर हुई है कि नहीं? यस सर। अच्छा, 1960 में कॉपर की क्वांटिटी ज्यादा हुई है। जी हाँ, 1960 में फिर उन्होंने कॉपर ज्यादा डाल दिया। फिर क्या हुआ, 1986 में फिर ISO वाले भी इस चीज पर आ गए कि हाँ जी कॉपर ज्यादा होना चाहिए। तो कॉपर जो था अगर उसको हमने 10-30%, आप देखें वहां पे हमने 30% मैक्सिमम लिख लिया, तो अब यहाँ पर 10-30% चले गए, तो लेस देन 6% से हम 10-30% पे जब हम गए तो वहां पे हमने देखा कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा हो गई, ठीक है, और कॉपर की अमाउंट भी ज्यादा हो गई। Now, copper content increase in spherical alloys at melting. Spherical alloys में melting में ही हमने copper को content को ज्यादा करना है, तो जब उसके अंदर ये चीज हो रही है और एक ही वक्त में हम डाल रहे हैं spherical alloy में, तो उसको हम single composition कहेंगे, क्योंकि उसी वक्त डाला गया ना, जो ही हमने बनाया उसी वक्त, तो वो composition single हो गई, ठीक है। तो अब इसके बाद next उसके ऊपर आते हैं, तीसरी उसको वो करते हैं हम।